आज हम पढ़ते हैं क्रिया इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। नाम से ही चल रहा है पता कि एक इलेक्ट्रॉन का युग्म रासायनिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा, उस वह अक्रिय हो जाएगा क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसा क्यों होता है आइए स्पष्ट करते हैं। ये जो अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव है यह सामान्यतया पी ब्लॉक तत्वों का गुण है। पी ब्लॉक तत्वों में ऐसा आपको मुख्यतया देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने यहाँ उदाहरण के रूप में समूह 13 ही लिया हुआ है। समूह 13 पी ब्लॉक का पहला समूह है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि समूह 13 में पहला है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो आप देखिए यहाँ पर जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, लगातार कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ रही है तो अंतः कोषीय इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है। अंतर कोषीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होगा, ये हम लोग पहली कक्षा में स्पष्ट कर चुके हैं आपसे, और नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। यह तो सामान्य घटना हुई, लेकिन असामान्य बात क्या होती है? देखिए थैलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो फो यहाँ पे ज़ीरोन का हो गया है यहाँ पे, और ये 4F14 5D10 6S2 6P संयोजी कोष छठा है जिसके अंदर दो कोष हैं 6S और 6P। 6S में दो इलेक्ट्रॉन है और 6P में एक इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले आप यहाँ पर ये देखिए ये आपबाऊ के नियम से आया है। आप जानते हैं आपबाऊ ने विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए एक ऊर्जा क्रम दिया था जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश पाते हैं जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है, अर्थात सबसे पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, और इस तरह इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि थैलियम का जो संयोजी कोष है वो छठा है, और छठे में इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे कहाँ पर, 6s में आ रहे हैं और 6p में आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि संयोजी कोष में ये 6s के दो इलेक्ट्रॉन पहले ही चले जाते हैं, उसके बाद तक 4f और 5d में इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवेश पाते रहते हैं। आप जानते हैं कि जो यहाँ पर ये अंत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल जो होता है इसको उत्पन्न करने वाले जो उसके लिए उत्तरदायित्व है वो है अंतर कोषीय इलेक्ट्रॉन ये वाले, और इसमें इलेक्ट्रॉन मुख्यतः होते हैं f और d के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि F और D में तो इलेक्ट्रॉन अभी तक आ ही रहे हैं, पूरा भर ही नहीं पाया है, और उससे पहले ही आपका 6s जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 6s में दो इलेक्ट्रॉन प्रवेश पा चुके हैं पहले ही क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है। उसके बाद भी 4f और 5d पूरा नहीं भरा है, अर्थात अंतर कोष इलेक्ट्रॉन अपना स्थान नहीं पा पाए हैं। जब तक ये अपना स्थान नहीं पाएंगे, ये पूर्ण रूप से भरे नहीं होंगे, तब तक प्रतिकर्षण बल उतना अधिक नहीं हो पाएगा जिससे कि वो नाभिकीय आकर्षण बल के मान को कम कर सके। अब होता क्या है कि यहाँ पर लगातार इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4f और 5d में, क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है, उनको भरने में समय लगेगा, उससे पहले ही 6s में इलेक्ट्रॉन युग्म आ चुका है। तो कुल मिला के होता क्या है कि यहाँ पर इनका जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। आप पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा करने के लिए उत्तरदायी कौन है, प्रतिकर्षण बल, और ये है कम क्योंकि यहाँ पर अभी तक 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे हैं। अब दोबारा से देखिए यहाँ पर ये देखिए नाभिक बना लेते हैं, इसके चारों तरफ हम ये वाला कोष ले लेते हैं, इसके बाहर ये दूसरा कोष ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं 4f14, यहाँ पे दिखाते हैं हम 5d10, और इससे बाहर चलते हैं संयोजी कोष में तो वहां पे हम लोग दिखाते हैं 6s2 और यहाँ पे दिखाते हैं 6p1। अब आप देखिए आपने कहा कि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव कम है, परिरक्षण प्रभाव कम होगा क्योंकि प्रतिकर्षण कम है, अर्थात नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ने के कारण ये 4f और 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचे चले जाएंगे क्योंकि इनका जो परिरक्षण प्रभाव है वो दुर्बल हो चुका है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं आपको, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव
दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। अब ये उतना परिरक्षण नहीं कर पाएंगे जिससे कि इस पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम हो जाए, वो कम नहीं है क्योंकि परिरक्षण दुर्बल हो गया है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए कि होगा क्या, ये देखिए पहले यहाँ पे देखिए 6s जो है वो 6p से पहले आता है, अंदर की ओर आता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दृढ़ता से बहुत ज्यादा क्षमता से नाभिक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, लेकिन 6p की दूरी 6s से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा दृढ़ता से उतनी ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन की ओर नाभिक की ओर आकर्षित नहीं होंगे, अर्थात 6p के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान कम होगा और इनका निकलना सरल होगा। अब मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो आप इलेक्ट्रॉन युग्म देख रहे हैं संयोजी कोष के 6s के दो इलेक्ट्रॉन ये रासायनिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। यह जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यह अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म बन चुका है और ये रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेगा, केवल ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थैलियम केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही निष्कासन करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या एक अर्थात प्लस एक होगी। आइए देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ थैलियम, थैलियम का जो संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 6s2 6p1। यहाँ पर हम इसको ऊर्जा देते हैं और आयनन ऊर्जा देने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये देखिए तो ये बन जाता है Tl+1 और इसका जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 6s2। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इसे पुनः ऊर्जा देता हूं और ऊर्जा देके मैं इसको परिवर्तित कर देता हूं Tl+3 में, तो बच्चों ये संभव नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकलना सरल नहीं है। आप जानते हैं कि जब धनायन बनता है तो धनायन का आकार अपने जो पहले अपने पैतृक जो परमाणु होता है उससे आकार छोटा हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं T+1 का आकार TL से काफी छोटा है, तो नाभिकीय आकर्षण बल का मान और भी ज्यादा बढ़ चुका है, जितना यहाँ पर था उससे भी ज्यादा हो गया है, जिस कारण ये 6s2 के इलेक्ट्रॉन और ज्यादा दृढ़ता से और उतने ज्यादा मजबूती से नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। अब अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, आयनन ऊर्जा बहुत अधिक हो चुकी होती है और प्रयोग योगात्मक रूप से इतनी अधिक आयनन ऊर्जा को देना संभव नहीं होता है, तो ये कागजी रूप से हमको संभव दिखाई देता है लेकिन प्रयोगात्मक रूप से ये संभव नहीं होता है, जिस कारण यही कारण है कि थैलियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो केवल +1 होती है, ये संभव नहीं है। तो एक सवाल आपको बताते हैं जो एग्जाम में आता है, वो आता है कि बोरोन परिवार में थैलियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 क्यों होती है जबकि बाकी समूह के सदस्य +3 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या 3 और ऑक्सीकरण संख्या 1, ये दो ऑक्सीकरण संख्या सामान्य लक्षण है समूह 13 के तत्वों का, लेकिन फिर से आपको बताएं कि जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर गति करेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या +3 का स्थायित्व कम होता जाएगा तथा +1 ऑक्सीकरण संख्या का स्थायित्व बढ़ता जाएगा, यानी कि थैलियम जो है वो केवल +1 दिखाएगा और वो +3 नहीं दिखाएगा। कारण बोलेंगे तो कारण होगा अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। ये क्यों हुआ, इसका कारण है दुर्बल परिरक्षण। दुर्बल परिरक्षण क्यों हुआ, क्योंकि 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन लगातार भरते रहते हैं जिस कारण इनका परिरक्षण कम हो जाता है और परिरक्षण कम होगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना सरल नहीं रहेगा। संयोजी कोष में 6s2 6p इलेक्ट्रॉन है, 6s2 पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म रासायनिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा, केवल 6p का एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होगा और वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो थैलियम यहाँ पर केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा जिसका मान होगा +1। स्पष्ट है।